यूपी तक, यूपी का नंबर वन यूट्यूब चैनल। प्रदेश की सत्ता के शीर्ष पर बैठे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की वो सभा जिसमें कुर्सियां तो हैं, लेकिन उन कुर्सियों पर बैठने वाले लोग नदारद हैं। मुख्यमंत्री भाषण भी दे रहे हैं, लेकिन उनको सुनने वाला कोई नहीं है। जरा देखिए ये रिपोर्ट जो काशीपुर में मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान की है। सत्ता की फीकी पड़ती इस चमक को देखते हुए जहां विपक्षी लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं पक्ष के लोग अपना बयान दे रहे हैं और जता रहे हैं कि कुर्सियां खाली नहीं थी, बल्कि कोविड के नियमों को लेकर ये बात चर्चा में आई है। कोई कहता है कि कुर्सियां भरी हुई हैं, कोई कहता है कि कुर्सियां खाली हैं, लेकिन इन्हें कौन बताए कि खाली कुर्सियां और कैमरा कभी झूठ नहीं बोला करते। और से अगर आप देखें तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण चल रहा है परेड ग्राउंड के अंदर। परेड ग्राउंड में हालांकि भीड़ इस समय मौजूद दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आप इस तरफ नज़र डालेंगे तो आपको साफ नज़र आएगा कि जो सड़कों पर खड़े हुए लोग थे वो प्रधानमंत्री का भाषण शुरू होते ही हज़ारों की तादाद में जो थे वो वापस जाने लगे हैं। और ये रास्ता है जिस रास्ते से, हालांकि एक ही रास्ता है बाहर निकलने के लिए, तो इस रास्ते से लोगों ने वापस जाना शुरू कर दिया है अपने गंतव्य की तरफ। ये कहीं ना कहीं ऐसा संकेत ज़रूर है कि एक हड़बड़ी सी है लोगों में वापस जाने की। किस बात को लेकर है ये? इस बात से बच रहे हैं लोग बताने से, कैमरे के सामने आने से, लेकिन हजारों की तादाद में अभी तक लोग वापस जा चुके हैं। ये साफ दृष्टिगोचर हो गया कि मोदी मैजिक खत्म हो चुका है। लोगों में कोई उत्साह नहीं था, कोई जोश नहीं था भाजपाइयों के लिए, यहाँ स्थानीय नेताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए कुर्सियों को भर पाना मुश्किल हुआ। और जितनी बमुश्किल उनसे भरी गई उससे ज़्यादा तो लोग उठकर जाने लगे जब मोदी जी ने अपने लच्छेदार भाषण शुरू करे, क्योंकि लोग अब आजिज आ चुके हैं इन भाजपाइयों के झूठ से, इनके आडंबर से, इनके प्रपंच से। जब उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को धरातल पर घेरने लग गई थी, आम आदमी पार्टी तब से ही कहते आ रही है कि इस बार उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी की विदाई का मन बना चुकी है। और अब आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सभाओं में खाली कुर्सियां और बीच भाषणों में उठकर जाती जनता, ये साफ संकेत दे रही है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी के जुमलों में कोई दिलचस्पी नहीं रखती है और ना ही भारतीय जनता पार्टी के प्रति कोई सम्मान रखती है। अरे आप एक तरफ कह रहे हैं मास्क नहीं थे, एक तरफ कह रहे भीड़ नहीं थी, एक तरफ कह रहे आप ये स्पष्ट करिए हजारों की संख्या में। अरे उनका कहने में मत जाओ, उनका घबराहट है भाई, उनके मन का जो भय है वो बाहर आ रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है और ऐसे में भाजपा ने अपने सबसे बड़े सुपरस्टार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उतार दिया है पूरी तरह से प्रचलित करने में कि आखिर भाजपा की सरकार ने किया है तो क्या किया है। उत्तराखंड में गाहे बगाए ये लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है कि मुख्यमंत्री का लगातार होता ये दौरा कहीं ना कहीं भाजपा को एक संजीवनी बूटी देने का काम करेगा, फिर चाहे वो ऋषिकेश की यात्रा हो, केदारनाथ की यात्रा हो, या फिर अब ये सभा जो कहती है कि खाली कुर्सियां भी बहुत कुछ बोला करती हैं। लेकिन सत्ता के शीर्ष पर बैठे नेताओं को ये सोचने की जरूरत है कि आखिरकार ये खिसकती जमीन अगर है तो वो किस वजह से है और उसके कारण क्या हैं। उन्हें देखने की जरूरत है कि वाकई अगर इस खिसकती जमीन को बचाना है तो किन कामों को पूरा करने की जरूरत थी, किन वादों को किया गया था और किन वादों को पूरा नहीं किया गया था। अगर लोगों की माने तो साफ तौर पर महंगाई एक सबसे बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं भाजपा के लिए लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। आज की इस राजनीतिक सच्चाई को लाने वाले इस बुलेटिन के लिए आज दिलीप सिंह राठौड़ की तरफ से नमस्कार। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए जय उत्तराखंड।